वेलकम बैक टू द वेलनेस शो. जी हाँ, बात हो रही है रमज़ान और मुबारक की, और उसमें क्या क्या जो है ज़रूरियात होती हैं, नॉट ओनली स्पिरिचुअल एंड मे बी फिजिकल, बट ये कि फूड वाइज भी जो है वो क्या क्या एहतियात करनी होती है. इट्स अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट्स द टाइम दैट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू बी एट पीस विद आवरसेल्व्स एंड सेल्फ रिन्यूअल एंड रीजनरेशन. और इस रीजनरेशन में एक बात आ जाती है कि आप अपना वेट लॉस भी अगर करना चाहें, सेल्फ डिसिप्लिन और इस तरह अगर स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं इनको आपको छोड़ने का एक बहुत बेहतरीन मौका होता है. बात कर रहे हैं अभी हम डायबिटीज़ की. जी हाँ चेताली, आप बताई थी कि अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है और इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, देन यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, कैन यू रिपीट दैट, यू नो कि सहरी जो आप कह रहे हो वो इफ्तारी बना लें और इफ्तारी जो है वो सहरी बना लें. जी अच्छा, तो हम बहुत हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली जब मेरे पेशेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि डायबिटीज़ से यूजुअली डरते हैं कि डायबिटीज़ के टाइम वो फास्ट कर सके या नहीं. तो हम क्या समझाते हैं उनको कि जैसे इफ्तारी के टाइम वो उसको ब्रेकफास्ट बना ले. अगर वो ज़्यादा नहीं खाते हैं सहरी में, जैसे 2:30 बजे 3 बजे उठ के वो कुछ नहीं खा सकते तो वो सिर्फ अपना प्रेयर्स करके सो जाते हैं या कुछ एक नाम के लिए कुछ एक टुकड़ा कुछ भी खाते हैं, तो तभी इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो टाइम पे वो इंसुलिन लेंगे तो वो अपनी सेहत को और भी मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं जो कि लो ब्लड ग्लूकोज है. लेकिन अगर वो इफ्तारी के टाइम अच्छी तरह से उनका फास्ट खोलते हैं और इफ्तारी के टाइम कुछ खाते हैं, तभी वो उन्हें ब्रेकफास्ट के तौर पे समझ के इंसुलिन की डोसेज ले सकते हैं. और फिर 2-3 घंटे के बाद जैसे वो कुछ और अच्छी तरह से मेन मील खाएंगे, तब उसे वो अपना शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो लेते हैं वो ले सकते हैं. वो उनका एक बिग मील होगा. ये मैं जिस तरह से आपको समझा रही हूँ ये एक जनरल पॉपुलेशन की बात है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको डायबिटीज़ है और आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप आपकी फीलिंग्स को रखें, लेकिन आपकी डायबिटीज़ नर्स से ज़रूर बात करें और अपना डोसेज इंसुलिन पे बंद करें. मेरा ख्याल है मैं एक कॉल हम ले लेते हैं पहले और फिर हम डॉक्टर नबील भी जो बताएंगे. जी हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सैयद साहब, मैं अगर सही बात कर रहा हूं. जी बहुत बहुत आपको मुबारक हो, रमजान और मुबारक. रमजान मुबारक. जी, और जैसा आपने कहा कि ये जो रमजान मुबारक है ये वाकई हमारा जीवन साथी है, क्योंकि ये आता इसलिए कि तारीख हमारी इस्लाह हो सके ऑलराउंड, रूहानी तौर पे जिस्मानी तौर पे. जी जी. अब मेरे दो मुख्तसर सवाल हैं डॉक्टर साहब से, और आपकी जगह मुझे डाइटिशियन साहब का नाम नहीं पता. चेताली. जी बहुत प्यारा सा नाम है. चेताली. चेताली ताली चेताली बात है, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकूं सही तरह. बहरहाल मेरा मेरा सवाल पहले डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि रमजान में खासतौर से जो लंबे रमजान में इसमें सही वक्त एक्सरसाइज करने का कौन सा है. एक okay. एक सवाल तो ये आपसे हो गया. दूसरा डाइटिशियन साहब से ये है सवाल मेरा कि उन फूड्स का जिक्र बताइए कि जहाँ आदमी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जहाँ वो वैसा फूड खाए कि जिसमें कम से कम फैट हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जिससे उसको मिले दिन भर के लिए. Good. तो जरा इस पर रोशनी डालिएगा. और तीसरी बात जो आप सब लोगों ने कही है वो वाकई मोहम्मद अली के बारे में है. देखिए मोहम्मद अली ने वो चीज आपको शो करके बताई है जिसके लिए कहा जा रहा है कि he stood what he believed. Yes. ये वो चीजें हैं कि जिसको हमारे कहा जाता है जब हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें. ये सिर्फ आपकी उसकी बात है ईमान की. और वाकई मोहम्मद अली का नाम भी उसने जस्टिफाई किया, क्योंकि जितने मोहम्मद अली गुजरे हैं सभी ग्रेटेस्ट है. चले सैयद साहब, बहुत ही आपके सवाल हमेशा जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत हट के होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. जी पहले आप मेरे ख्याल अगर आप बात कीजिए डॉक्टर नबील. एज ऑलवेज सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का और आपके बड़े ही अच्छे सवालों का एज ऑलवेज. तो देखें इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जनरल हेल्थ क्या है जब आप रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं. ज़रूरी नहीं है अभी हम सब लोग ही एक्सरसाइज करते हों, और ज़्यादा मेजॉरिटी लोग तो काम कर रहे होते हैं दिन में और साथ रोज़ा भी रखा होता है. तो उसमें एनर्जी लेवल जो है वो तो दिन भर जिस तरह दिन गुजरता जाता है थोड़ा कम होता जाता है. तो एक्सरसाइज के टाइमिंग थोड़े बहुत और फिर थोड़ा उसका जो टाइम है वो कम करना पड़ेगा शायद, क्योंकि उसमें ये ना हो कि आप सारी कैलोरीज जो हैं जिनकी आपको ज़रूरत है वो बर्न कर दें
और फिर आप जो है रोज़ा आपको बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत लंबा रोज़ा है, रात को 9 बजे के बाद जाके कहीं इफ्तारी होगी, तो इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू योर ओन हेल्थ एंड योर ओन सर्कमस्टेंसेस इसको टेलर करना पड़ेगा कि आप कितने बजे काम पे जाते हैं, कितने बजे काम से वापस आते हैं। जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए तो ऐसा मसला नहीं है, वो तो अपनी वॉक्स या उसी तरह रख सकते हैं। अच्छा, वॉक्स रख सकते हैं, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज पे आ जाएं, इस ये ना हो आपको प्यास ज़्यादा लगे, फिर डिहाइड्रेशन का ख़तरा है, डिजीनेस का ख़तरा है, फिर और बहुत सारी चीज़ों का। तो देखें, रोज़ा सख्ती तो बिल्कुल उसकी है, लेकिन अगर आप उसको रूहानी तौर पे देखें तो रोज़ा रखना ही उसको चाहिए जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, जो ये समझते हैं। और जितनी ये हम बात करेंगे अभी, जो लोग बीमार हैं उनका दिल तो चाहता है कि वो रोज़े रखें, लेकिन उसमें फिर उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आपने इंसुलिन की जो बात की थी ना, तो इंसुलिन जो डिपेंडेंट हैं उनको रोज़ा क्या रखना वाकई चाहिए? डॉक्टर साहब आप बताइए पहले। हमने ये आपने एक्सप्लेन तो कर दिया उन लोगों के लिए जो बहुत मोटिवेशनल हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन जनरली इंसुलिन वालों को हम तो यही कहते हैं कि देखें, बाकी आप फिदिया दे सकते हैं तो बाकी अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं। वो हमें भूखा तो नहीं रखना चाहते, वो तो हमारी नीयत तो को जानते हैं। हाँ, लेकिन देखें, ये एक बड़ा एक पर्सनल मामला होता है, इस पर आप लोगों को एडवाइस ही दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल है वही हम समझाते हैं यूजुअली पेशेंट्स को भी कि प्लीज आप हमेशा डायबिटीज़ नर्स से बात करें, देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, जब एक्सरसाइज की बात की, जब हम बात करना चाहते थे डिहाइड्रेशन की, ये भी एक जो एक्सरसाइज में आप जब समझते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी ही है, आपको जाना ही है, पहले तो आपको एनर्जी लेवल्स आपकी देखनी है, और दूसरी बात है डिहाइड्रेशन, आपको ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमको बहुत सारे केसेस मिलते हैं जैसे लोग फेंट होते हैं या इजीली पास आउट हो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है डिहाइड्रेशन की वजह से, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फूड लेकिन डिहाइड्रेशन से। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप पानी ज़्यादा पिए। चलिए, ये आपने जो एक बात एक डिहाइड्रेशन की बताई है, अब हम देखते हैं अगले कॉलर हमसे क्या पूछ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस शो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका प्रोग्राम जो है हर हफ्ते देखता हूँ, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, और डॉक्टर साहब से एक दो दफा मेरी बात भी हुई है और बड़ा अच्छा मशवरा उन्होंने दिया है। तो अभी यह एक और मसला, अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र मैंने रोजे रखे हैं, अमाउर में सबा 67, मगर मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, और पहले तो मुझे वो मैं सिर्फ वो खाता था, मैं तो फोमिन और ग्लिकोसाइड मेडिसिन खाता था, मगर हाल ही में मुझे कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी डायबिटिक नर्स ने मुझे एक बायोजुरिन इंजेक्शन पे लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी साइड इफेक्ट्स हुए और आई बिकेम वेरी डिहाइड्रेटेड, और मेरी जो GFR और CR मेरी जो थी वो बहुत GFR बहुत कम हो गई थी, वो 8 पे चली गई थी, और CR जो है तकरीबन 500 पे चली गई थी। तो उन्होंने फिर वो क्या किया कि मुझे वो रिसीवन आवाज इन द हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे पहले तो यही मशवरा था कि शायद माई कैट पुट मी ऑन डायलिसिस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यो वो कुछ पानी से पीने से, और उन्होंने मुझे वो ड्रिप्स वगैरह लगाई, उससे मेरी वॉशिंग की और मेरी जो लेवल थी वो ठीक होनी शुरू हो गई है। मगर उन्होंने क्या किया कि अब मेरी जो टैबलेट्स है मेटफॉर्मिन वगैरह वो बिल्कुल बंद कर दी हुई है, on they have just put me on insulin which I'm taking only about 20 units jo raat ko main lagata hu, so the diabetes jo itni theek bhi nahi hoti jo theek hai, but I become very health conscious since then. So doctor main ye ya dietitian se ye main poochna chahta hu ki wo ye iska bhi aapke jo pehle dietitian aapki kehti hai wo nuts wagera khao aur ye jo thode wo main regularly thode but handful mein khata raha hu जैसे ब्राजील नट है, हेजल नट्स हैं, आलमंड्स हैं, मगर अब क्या मुझे डॉक्टर ने मुझे लास्ट ऑफ द टेस्ट किया है, उसने कहा कि तुम्हारा पोटासियम लेवल बहुत ऊपर चला गया, तो क्या डज दिस उसकी कॉज ये होती है कि मतलब ये खाने से क्या पोटासियम और कैल्शियम ज़्यादा बढ़ती है, और आप क्या मशवरा देंगे, रोजे रखूँ या ना, सारी जिंदगी रखी है तो
what do you choose from health point of view? सवाल आपके पास हो? जी 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 बिल्कुल आपने बहुत thoroughly explain की है अपनी पूरी health condition. लगता ये है कि आपकी जो diabetic control था पिछले कुछ अरसे में बहुत अच्छा नहीं रहा होगा शायद. I'm just guessing जिस वजह से जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है वो जो किडनीज़ को अफेक्ट कर देती है जिसको रीनल इम्पेयरमेंट कहते हैं. और जो ये आप क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो ये कुछ जो बाकी ब्लड प्रेशर के लिए और कुछ और जो बाकी मेडिसिंस होती हैं उनमें ये पोटेशियम थोड़ा बहुत ज़्यादा कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स हैं, और ये जो ओरल जो खाने वाली टैबलेट्स हैं डायबिटीज़ की, ख़ास तौर पर मेटफॉर्मिन, ये भी किडनीज़ पे असरअंदाज होती है और फिर किडनी फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिटीरोरेट हो जाता है. और अगर डायबिटिक कंट्रोल बहुत अच्छा ना हो तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो ये तो आपकी थोड़ी सी मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन की है वेरी वेरी क्विकली कि आप इस वक्त किस प्रॉब्लम में हैं. तो दूसरी बात ये कि अब आपकी जो कंसिड्रेशन शुरू हुई है कि डायलिसिस तक मामला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं एक तो एक्यूटली ऊपर गए होंगे या फिर ये क्रॉनिकली यानी काफ़ी अरसे से ऊपर रह रहे होंगे. तो हम जिस चीज़ को ज़्यादा जो अहमियत देते हैं वो ये है कि उसको किडनी फंक्शन को स्टेबल करने को. तो उसमें फिर ये है कि जब ये पोटेशियम ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि किडनीज बेचारी जो हैं वो थक गई हैं, अब ज़रा उनको सांस लेना देना चाहिए. और फिर हम उनकी जो मेडिसिन की डोजेस हैं या कुछ मेडिसिन बंद कर देते हैं, टाइट्रेट करते हैं हर पेशेंट के इंडिविजुअल जो जो सिनेरियो है उसके मुताबिक. तो ये तो आपकी सारी मेडिकल कंडीशन की बैकग्राउंड. अब जो बात रह गई रोज़े की, तो आपका जज्बा तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन में नज़र आया है कि आपने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि देखो अभी मैं कंटिन्यू करूं. तो देखें अब आप इंसुलिन पे आ गए हैं और आपकी किडनी फंक्शन बहुत अच्छी नहीं है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप रोज़ा रखें. आप उसका फिदिया दे दें तो वो कहते हैं ना कि जो दिल के हाल तो जो अल्लाह ही जानते हैं, तो मेरा ख्याल है इसी पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे. बिल्कुल ये मेरा भी ये ख्याल है. मेडिकल मौलाना ने बताया. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखें क्योंकि हम उनके जज्बात की कदर करते हैं. लेकिन अब ये इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है क्लिनिशियन के लिए भी कि किसी को आप ये कहें कि देखो ये ऐसे नहीं हो सकता है, तो वो फिर उनके लिए जरा ये एडवाइस देना भी इतना आसान नहीं. सख्ती थोड़ी करना चाहिए. जी बिल्कुल. मतलब ये कि अगर नहीं हो सकता. अच्छा, जो आप फ्लूइड्स की बात कर रही थी यानी कि वाटर, लेकिन पानी के अलावा भी तो बहुत सी चीजें हैं जो हाइड्रेट करती हैं, जैसे कि अगर आप लस्सी लें या अगर आप जो है कोई भी, आप जरा बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें. यूजुअली हम यही कहते हैं कि जैसे सहरी के टाइम एटलीस्ट 2-3 ग्लास पानी पी के सोएं ताकि अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेशन मिले. और ये भी हम यूजुअली कहते हैं कि जूस पी सकते हैं. जैसे एक कॉलर ने हमसे, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या चीज़ लो फैट है लेकिन हमको एनर्जी दे सकती है, तो यूजुअली फ्रूट जूस जैसे एक ग्लास पिएं सुबह को तो उससे आपको एनर्जी भी रहेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और उससे आपका दिन में पूरा गुजारा भी रहेगा. यूजुअली आप हाइड्रेट भी नहीं होंगे और जो शुगर लेवल्स है वो भी रहेगी ऊपर, तो उससे बैलेंस रहेगी तो वो भी ठीक है. और जैसे अच्छी मीठी लस्सी भी पी सकते हैं, स्किम्ड मिल्क की, लो फैट योगर्ट की, तो उससे आपका फैट भी लेवल्स नहीं बढ़ेगा और हार्ट बर्न भी नहीं होगा. हार्ट बर्न भी नहीं रहेगी, एसिडिटी भी नहीं रहेगी, कैल्शियम भी मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन था जैसे कि कैल्शियम भी हमें मॉडरेट लेवल पे रखना है पूरे टाइम, तो उससे वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा. अब आपने हार्ट बर्न का जिक्र किया तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहूँगा. वो ये कि अब रोज़ा रखने के बाद अगर स्पाइसी फूड सुबह लोग ले लें और उनको बाद में हार्ट बर्न हो और वो समझ लें कि उनकी एज ग्रुप ऐसी है जो 50 प्लस हैं जिनको हार्ट अटैक का ख़तरा भी है, तो कई ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं कि उनको हार्ट बर्न शुरू हुआ, वो ये समझते रहे कि ये हार्ट बर्न वो स्टमक की वजह से है, खाया पिया कुछ नहीं है, एक्चुअली उनको हार्ट अटैक हो रहा था. और वो कुछ लोग तो फिर अपने जज्बे के साथ सारा रोज़ा मुकम्मल कर लेते हैं जो बड़ा ख़तरनाक है. फिर उसके साथ ये कि चेस्ट कंजेशन भी, सांस भी फूलेगा, कुछ और थोड़ी सी अलामतें भी होंगी. तो प्लीज़ जो व्यूअर्स ये सुन रहे हैं इसको
डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, तो हार्ट बर्न हार्ट अटैक भी हो सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया, लेकिन टाइम इतनी जल्दी हमारा गुजरता है और ब्रेक का टाइम आ जाता है। ब्रेक के बाद आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, जो भी आपके सवाल आते हैं रिलेटेड टू रमज़ान और मुबारक एंड फूड एंड ऑल आई मीन द लाइफ स्टाइल, हाउ यू शुड रियली चेंज इट बेट, तो ये हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।